पिछले दिनों कुछ लोग जो अपने आप को कहते हैं कि वो बुद्धिस्ट लोग हैं, उन्होंने एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाली, जिसके तहत में ये मांग की गई कि अयोध्या में जो बहुत प्राचीन जगह है, जिसमें बताया जाता है कि जन्म हुआ है, वहाँ जो अवशेष मिले हैं, जो साक्ष्य मिले हैं, वो बुद्ध के साक्ष्य हैं, बुद्ध की सभ्यता के साक्ष्य हैं। और ये दावा किया गया कि ये पुराना एक बुद्ध विहार है। हमारी सभ्यता, जो बौद्धों की सभ्यता है, जो भारत की प्राचीन सभ्यता है और जो यहाँ के मूल निवासियों की सभ्यता है, उसके चिन्ह बर्मा से लेके और ईरान तक मिलते हैं, श्रीलंका में हैं और उसके बाद पूरी दुनिया में जा चुके हैं। अगर आप ध्यान देंगे तो कोई भी जो बुद्धिस्ट है भारत का, या भारत के बाहर जो बुद्धिस्ट है, या उस फिलॉसफी को अपनाता है, या उसके धर्म को जानता है, वो कभी भी किसी भी जगह के लिए, ईंट पत्थरों के लिए या बिल्डिंग के लिए झगड़ा नहीं करता। कोई भी हमारे जो टीचर है, थेरा है, महाथेरा है, भिक्खु है, भिक्खुणी है, वो कभी भी किसी व्यक्ति से ये नहीं कहते कि आइए आप बुद्धिस्ट बन जाइए या बुद्ध की फिलॉसफी को अपनाइए। ऐसा माना जाता है क्योंकि भगवान बुद्ध ने भी कहा ऐही पस्सी को, आइए और देखिए, आजमा के देखिए कि आपके जीवन में लाभदायक है तो ठीक है। और उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में कोई धर्म नहीं बनाया और उनके बाद भी कोई बौद्ध धर्म नाम की चीज़ नहीं बनी। बेसिकली बौद्ध धर्म बनाते ही ये बाकी धर्मों के हिसाब से एक दायरे में कैद होकर बहुत छोटा हो जाता है, इसलिए इसको एक फिलॉसफी मानते हैं, इसको एक दर्शन मानते हैं, इसको एक नीति मानते हैं, इसको प्राकृतिक जीवन चक्र और प्रकृति का जीवन चक्र मान के इसकी प्रैक्टिस की जाती है। सारी दुनिया में अलग अलग तरह की चीज़ें आती हैं और उन सब में ये प्रैक्टिस नेचुरल वे में मानी जाती है। जिन लोगों ने भी वहाँ दावा किया है, भारत के तमाम बौद्धों की तरह से मैं सुधीर राज सिंह दिल्ली से सम्यक धम्म देशक के रूप में ये बात का आह्वान करता हूँ कि हमारे किसी भी बुद्ध को, बुद्धिस्ट परिवार के लोग को, या किसी भी बुद्धिस्ट आदमी को ना ही ईंट पत्थरों में, ना ही किसी बिल्डिंग में कोई इच्छा है, ना ही हमें चाहिए। हमारे जो विहार होते थे, जिनको आराम बोलते थे या चैत्य बोलते थे या स्तूप बोलते थे, वो पहले भी बुद्ध के बाद, क्योंकि बिल्डिंगें बहुत बाद में बननी शुरू हुई, वो पुस्तकालय होते थे, स्कूल होते थे, या वो चिकित्सालय होते थे, या पशुओं के चिकित्सालय होते थे, या आरामगाह होते थे, या यात्रियों के लिए आरामगाह होते थे। वो कभी भी, क्योंकि हमारे यहाँ कोई पूजा पद्धति की कोई बात है ही नहीं और ना ही पूजा पद्धति है। भगवान बुद्ध के जितने भी चित्र हैं, उनके निर्माण प्राप्त होने के 500-700 साल बाद, क्योंकि लोहा छेनी आई होगी तो बनी होगी, वो भी सिर्फ इसलिए है कि जो छोटे बच्चे हैं उनको ये बताया जा सके कि एक बुद्ध की मुद्रा बैठे हुए ऐसे होती है, विपश्यना ऐसे करें, प्रेरणा लेने के लिए। बाकी जो मैच्योर आदमी है, जो समझदार आदमी है, जो प्रौढ़ आदमी है, वो धम्म की फिलॉसफी को प्रैक्टिस करते हैं। मूर्ति से उनको कोई लेना देना नहीं होता है, मूर्ति सिर्फ नाम मात्र की होती है, वो हो या ना हो हमें फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसलिए वो जो झगड़े की ज़मीन है, या जो झगड़े का सौदा है, या कोई झगड़े की बात है, उसमें किसी भी बुद्धिस्ट परिवार की, किसी भी बौद्ध की, किसी भी बुद्ध फिलॉसफी के जानने वाले की कोई आस्था नहीं हो सकती, क्योंकि झगड़े से कोई आदमी शांति कैसे प्राप्त करेगा। इसलिए अगर वहाँ सारे साक्ष्य धम्म के भी हैं, बुद्ध के भी हैं, और अगर सुप्रीम कोर्ट भी ये केस हमें ये कह के देती है कि ये जगह आपकी, आप वहाँ बुद्ध विहार बना लीजिए, या भारत सरकार भी हमें कहती है कि आप वहाँ बुद्ध विहार बना लीजिए, तो भी मैं भारत के सभी और दुनिया के सभी बौद्धों की तरफ से ये अपील करूँगा कि हम झगड़े में नहीं पड़ना चाहते, हमको वो जगह नहीं चाहिए, हमारा कोई वहाँ दावा नहीं है। किसी आदमी ने अगर वहाँ दावा डाला है तो वो अभी धम्म को जानता नहीं है। धम्म ईंट पत्थरों में नहीं बसता, धम्म जो दीवारें होती हैं उनमें नहीं बसता। धम्म को भगवान ने चौड़े में, बिल्कुल खुले में, पेड़ के नीचे प्राप्त किया, पेड़ के नीचे जीवन भर रहे, प्राकृतिक में रहे। उन्होंने कभी किसी बिल्डिंग को बनाने का या बिल्डिंग के झगड़े का कोई आदेश या कोई बात कभी नहीं कही। बिल्डिंगें जो होती हैं वो मौसम से बचाने के लिए होती हैं, आदमी को झगड़े में अगर कोई ईंट पत्थर डाले या बिल्डिंग डाले तो वो धम्म के लिए नहीं होती, वो अधम्म के लिए होती है। ये अधम का काम कोई भी बौद्ध नहीं करेगा। इसलिए मैं फिर देश से और दुनिया से अपील करता हूँ कि हमारा उसमें कोई दावा नहीं है, और जिस भी नादान ने ये, जो धम्म को नहीं जानता, दावा लिया है, वो कृपया करके अपना दावा वापस ले ले। हम इतिहास में कभी भी किसी भी झगड़े में नहीं पड़ना चाहते। कोई नादान आदमी वहाँ जाके दावा करे कि यहाँ बुद्ध विहार है, तो वो उसका करेगा क्या? अगर मान लो वो दावा करता है, झगड़ा करता है, और वहाँ 100 मीटर 200 मीटर 4 बीघे 5 बीघे 100 बीघे ज़मीन अगर वो ले भी लेता है, तो क्या 130 करोड़ लोगों का भला होगा? क्या उस ज़मीन से कुछ प्राप्त होगा? वहाँ जाके लोग
धम्म को सिवाय नुकसान पहुंचाने की और बदनाम करने के करेंगे क्या। धम्म में शांति होती है, धम्म में दान देने की अपील होती है, धम्म में लोगों को ज्ञान देने की अपील होती है। धम्म झगड़े के लिए नहीं है, हम झगड़े का हिस्सा नहीं है। कोई आदमी अगर वहाँ जाता है कृपया करके उसका संज्ञान ना लें, वो धम्म को नहीं जानता। धम्म बहुत शुद्ध है, धम्म परिशुद्ध है, धम्म सर्वव्यापी है, धम्म सार्वजनीन है, धर्म सबके लिए है। भारत के सभी लोगों का धर्म होता है, चाहे वो कोई माने या ना माने। कृपया मेरी इस अपील को आगे बढ़ाएं, शेयर करें और बताएं कि हम धम्मिक लोग हैं, हम बुद्धिस्ट नहीं हैं, हम धम्मिक लोग हैं। क्योंकि बुद्ध बौद्ध के समय भगवान बुद्ध बुद्धिस्ट नहीं थे, वो धम्मिक थे, सभी को धम्मिक कहकर बोला करते थे। उन्होंने धम्म हमें सिखाया है, प्यार सिखाया है, शांति सिखाई है, हमें झगड़े की कोई भी जमीन नहीं चाहिए। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भारत।